हेलो गाइस, स्वागत है आपका रीपर सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम टोरंटो मूवी के बारे में। क्या इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं? इस मूवी के लीड रोल में केविन हार्ट और एक और बंदा है। इस मूवी की लेंथ की बात करूं तो 1 घंटे 48 मिनट है। इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है, जिसे देखने में बहुत मज़ा आता है। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी अच्छी है। इसमें एक मैन फ्रॉम टोरंटो नाम का बंदा होता है और लोग समझते हैं मैन फ्रॉम टोरंटो केविन हार्ट है। इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी एक्शन भी है। इस मूवी में मुझे केविन हार्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी। इस मूवी में और भी मैन होते हैं, मैन फ्रॉम टोक्यो, मैन फ्रॉम मॉस्को, मैन फ्रॉम मियामी, जो समझते हैं टेडी जैक्सन मैन फ्रॉम टोरंटो, तो वो किस तरह उनसे बचता है और किस तरह वो मैन फ्रॉम टोरंटो कॉपी करता है, एक्टिंग करता है, ये इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी बहुत कॉमेडी से भरपूर है। इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट।